भाई भागो, ओ भाई भागो भागो, सांप 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 सांप। तो भाई मैं यहाँ पे वडोदरा आ चुका था, और वडोदरा आने के बाद मैं यहाँ पे दिव्यांशु से मिला, और दिव्यांशु देखो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गया। ये देखो वो वहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर दर्शन कर रहा है, अभी आता है तो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। तो बेसिकली मैं वडोदरा के MSU के हॉस्टल के अंदर खड़ा हूँ, जहाँ पे ये टेम्पल यहाँ पे है। अगर आप इस टेम्पल को जानते हैं ना भाई, तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो भाई, बहुत मज़ा आएगा कि भाई वीडियो में जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, और भाई कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है भाई। तो आप बर्ड्स के आवाज़ कितने सुंदर तरीके से सुन सकते हो, ये देखो। तो ये देखो MSU का वुल्फ मेरे सामने है, और देखे किस तरीके से दहाड़ रहा है। अरे भाई, ये देखे, क्या चाहिए भाई? ये देखे, देखे उसने आते हुए दिव्यांशु को परेशान कर दिया। और ये देखे, ये है दिव्यांशु। और कैसा लग रहा है भाई सुबह सुबह उठ के? बढ़िया 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 लग रहा है। तो आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो भाई आज जाएंगे पूरा वडोदरा एक्सप्लोर करेंगे, और वडोदरा के अंदर MSU एक्सप्लोर करेंगे, और मिलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों ये बाजू में MSU का कैंपस है मेरे बाजू में, लेफ्ट साइड में। ये क्या है, कौन सा कैंपस है दिव्यांशु? ये है मेन हॉस्टल कैंपस। अच्छा, तो यहाँ पर सारे मेन MS के मेन हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल्स। बराबर। ये क्या है? व्हाइट हाउस। ओ व्हाइट हाउस मतलब मेन, वो दिखाओ मेन बिल्डिंग, दिस इज द मेन बिल्डिंग। ओके, तो हमें इधर नहीं आना? नहीं नहीं, वी कैन गो देयर, दिस इज NSS हेडक्वार्टर। ओके, तो वो क्या हो रहा है वो दिखाओ दोस्तों। NSS परेड, वो देखो एक दो एक चल रहा है यहाँ पे, बच्चे काफी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चे एक दो एक करके परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बात है, काफी अच्छा सीन मिला हमको। यहाँ से राइट ना? हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं चल रही है क्या? कमला रमन वाटिका। यस। ओके, तो ये व्हाइट हाउस का पीछे का पोर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि ढंग से देख नहीं पा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है MRID की बिल्डिंग, डिजाइन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है ये। ओके, ये डिजाइन डिपार्टमेंट की, यही है क्या? MRID फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है। राइट राइट राइट। बट दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट ओनली, पोस्ट ग्रेजुएट इज इन द गुलाब बाग। वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बुंडी है यहाँ पे। और ये हम आ चुके हैं बॉयज मेन हॉस्टल कैंपस। ओके, और इसमें MSU की धन्नो जा रही है यहाँ पे। ये है VS हॉल, विक्रम साराभाई हॉल है जो आप फर्स्ट हॉल। अच्छे से लेना, अच्छे से कैमरा हिलाना मत बस। और ये है मनु भाई मेहता हॉल। बराबर। इसमें क्या होता है, क्या होता है, क्या स्टूडेंट रहते हैं इसमें? हॉस्टल है सर? हॉस्टल है, हॉस्टल है। एंड दिस इज जीवराज मेहता हॉल, इसमें MBBS के स्टूडेंट रहते हैं सारे। हॉस्टल का सेग्रीगेशन क्या हुआ है? राइट, नो सेग्रीगेशन नहीं किया है, मतलब रहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी रहते हैं, लेकिन मेनली वहाँ के जो लीडर्स हैं वो MBBS वाले हैं। समझ गया समझ गया। और ये दिखाओ ये क्या है? ये वट वृक्ष है, वट वृक्ष है। नहीं नहीं, पेड़ का। तो ये है वडोदरा का मेन, वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन, और उसके बाद में राइट साइड आप दिखाओ यहाँ पे रेलवे स्टेशन का पार्ट यहाँ पे ओपन होता है। अरे कैमरे में उंगलियाँ नहीं जा रही है, ये पूरा वडोदरा स्टेशन है। आगे। तो दोस्तों अभी हम बेसिकली वडोदरा रेलवे स्टेशन को अप्रोच कर रहे हैं। ये देखिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और मेरे साथ दिव्यांशु है जैसे कि आपने देख लिया है। तो दोस्तों को दिखाना कि वडोदरा स्टेशन का एंट्री कैसा है, और अगर आप जानते हैं इस जगह को तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और भाई फ्रंट कैमरा भी कर लेना। ये देखिए दोस्तों यही है वडोदरा का रेलवे स्टेशन, उंगली करके ओवर ब्रिज। बचाना कभी खाना हो तो आ जाना। वो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? काला और गोला।
ये काला और ये गोरा बराबर। और खाना हो तो आ जाना, खाना हो तो ले जाना आके। ठीक है ठीक है, खाना आवे तो ले जाना। पक्का पक्का पक्का। तो दोस्तों हम दोनों नाश्ता करने गए थे गायत्री खमन हाउस में, राइट? यस। तो कैसा लगा भाई नाश्ता? अच्छा था, अच्छा था, टेस्ट काफी अच्छा था खमन का, पर चटनी थोड़ी मीठी लगी मुझे। हाँ मतलब जो लोग बेसिकली नॉर्थन स्टेट्स में थे ना, तो उनको चटनी थोड़ी सी मीठी लगेगी, बाकी ओवरऑल अच्छा था। ठीक है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, बाकी गुजरात के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छे लेवल का नाश्ता था भाई, मजा आ गया। नॉर्थ साइड के लिए हमें तीखा जरूरी होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं, आगे आपको दिखाते हैं एक मस्त जगह यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा झाड़ है यहाँ पे, मतलब कितना बड़ा वड़का झाड़ है, वड़का बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, वट वृक्ष। हाँ, वट वृक्ष, क्या बात है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और नेचर लवर्स के लिए तो भाई काफी शानदार पेड़ है मतलब। और इससे आगे चलते हैं अपन, एमएस का मेन गेट है, एमएस का एंट्री का। यस, ये दिस गेट। और ये देखो पहले तो ये दिखाओ, ये बड़ा सा घंटाघर दिखाओ दोस्तों को। सारी पुराना कंस्ट्रक्शन है भाई, सारा का सारा पुराना कंस्ट्रक्शन है, अंग्रेजों के जमाने का है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है ये जो आप बड़ी जो बड़ा गुंबज देख रहे हैं आप, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है पूरी। काफी सुंदर दिख रही है यार, आर्किटेक्चर का गजब नमूना है। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम भी यहीं पर देने के लिए आया। ओहो, ये देखिए चार डोम स्ट्रक्चर्स, ये पूरा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। हाँ तो दोस्तों ये है काला घोड़ा सर्कल, और यहाँ पे घोड़ा आप देख सकते हैं वहाँ पे एक है, एक टांग उठा के, दो टांग उठा के एक्चुअली। और यहाँ पे वो घोड़े के रथ के सब टूटे हुए हिस्से रखे हुए हैं, आई डोंट नो उसका क्या महत्व, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हिस्ट्री में क्या महत्व है वो तो पता नहीं, लेकिन एक मस्त जगह जा रहे हैं काला घोड़ा के पास में है। वहाँ पे उतर के भाई चाय पीने में मजा बहुत आती है, क्योंकि भाई वहाँ पे इतनी शांति होती है ना, कितनी भी भीड़ हो बाहर कभी भी जाओ। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाओ भाई, जस्ट हमने लेफ्ट टर्न लिया। हाँ, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से चाय पीने का मौका मिलता है। एग्जॉटिक एग्जॉटिक, यस, एकदम टूरिस्ट जैसा वाइब आता है। वो देखिए दोस्तों मोर जा रहा है, कितना सुंदर, वो देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, काफी सुंदर लग रहा है ये। देखो मैं इसी मोर की बात कर रहा था भाई, बहुत सुंदर दो दो मोर थे यार यहाँ पे आए थे। दोस्तों ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ये देखिए क्या गजब आर्किटेक्चर है भाई, पुरानी बिल्डिंग से अभी तक खड़ी है। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, बराबर है। आजकल की बिल्डिंग है तो यार खड़ी होते ही गिर जाती है। मेन पार्किंग एमएस, वो देखो वो गुंबज कितना सुंदर दिख रहा है। एग्जैक्टली। और दोस्तों हम बेसिकली यहाँ पे एमएसयू के कैंपस में आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, क्या मस्त एकदम सन के। और हम अंदर जा रहे हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की तरफ। ये डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये है सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आप जिस भी डिपार्टमेंट से, इस पर कमेंट करके भाई चार चांद लगा दो कमेंट में। ये यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल स्कूल का बैक एरिया है, ये बैक एरिया है, कोई बात नहीं, बैक एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जीरो। और ये आप देख सकते हैं, ये है विश्वामित्री की, ये ब्रिज है यहाँ पर। ओके, लोअर ब्रिज है क्या? पूरा था, ये देख सकते हैं नीचे विश्वामित्री बह रही है। ओ, नाला मतलब विश्वामित्री रह नहीं गई है, पर फिर भी आप कह सकते हैं विश्वामित्री रही नहीं है। और ये है आप देख सकते हैं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। ओके, थोड़ा सा फ्रंट कैमरा भी करते रहना। और ये है प्रोफेसर सी सी मेहता ऑडिटोरियम, वो क्या चल रहा है ग्राउंड पे। ये है यूनिवर्सिटी ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं और नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और ये है कॉमर्स की हायर पेमेंट बिल्डिंग है ये, बराबर। यहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट, यहाँ पे भी बहुत सारा है। आपको पता है महाराजा सयाजी राव ने जब ये बनवाया था ना भाई, तो उसके बाद जो भी कारीगर थे ना उनके हाथ कटवा दिए थे। मजाक कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेन कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये मेन कॉमर्स की बिल्डिंग है ये पूरी। एफ आई बी कॉम वाले जितने भी हैं सब, खैर देखिए हम यहीं से आ रहे थे लेकिन पूरा घूम के आना पड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं अंदर, ये बोटेनिकल गार्डन का एरिया है ये। वो देखिए क्या गार्डन में अलग अलग फूल खिले हुए दोस्तों,
यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट है, बहुत रेयर प्लांट्स भी है यहाँ पर एमएस के बोटेनिकल गार्डन में। वहाँ दिखाओ, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, वो देखिए। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर, और यहाँ पे राइट साइड में मंदिर भी है यार, क्या बात है। हाँ, तो एग्जाम के पहले आपको कुछ मांगना हो तो भाई यहीं पे चढ़ावा चढ़ाने आया कीजिए। देखिए, आप चढ़ावा चढ़ाकर एग्जाम देने जाएंगे, मार्क्स तो अच्छे आने ही है। क्या बात है, माँ सरस्वती यहाँ पे विराजमान है भाई, वहाँ से ना हो तो आप यहाँ पे भी पूजा करके जा सकते हैं। खैर, कोई ऑफेंस नहीं है। ये देखिए, ये फिनिशिंग स्कूल। फिनिशिंग स्कूल, ये क्या होता है भाई, पहली बार देखा मैंने। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एनहेंस करने के लिए। ओके ओके ओके, क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए दोस्तों बेसिकली। गजब यार, ये काफी सोच समझ के बनाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और आपको बताते हैं भाई, एमएसयू के अंदर हम आए हैं बेसिकली, गलत रास्ते पे चढ़े थे दोस्तों, हमने ब्रेक मार दिया, और ब्रेक मारने का रीजन यही है, वरना अभी हम नीचे भी हो सकते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दोस्तों, आप इस जगह पे अगर घूमे हो और आप रिलेट कर पा रहे हो तो यार कॉमेंट सेक्शन में करके बताओ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो यार। ये देखिए यार, मेरा तो मन फूले नहीं समा रहा यार, और बाहर की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वडोदरा जो कि कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात है भाई, यही सब चीज़ों की वजह से तो है भाई, महाराजा सयाजी राव ने कुछ सोच के ही बनाया होगा भाई, बहुत सुंदर है यार। दिख रहा है ना आपको, वो भी बहुत सुंदर है। और पता है, आर्किटेक्चर के लिए हमें कुछ सीखने के लिए आना होता है, तो वो सीखने के लिए फिर हम यहीं पर आते हैं एमएसयू देखने के लिए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत, अपने आप में बहुत बढ़िया हेरिटेज है। ये देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है यहाँ पर, हम आपको आगे से दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मेन कैंपस के बीच में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगाई हुई है। काफी बड़ा वाइड कैंपस है एमएसयू का दोस्तों, बहुत बड़ा। और ये ये देखिए, अंदर पूरी मेन बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सारे डिपार्टमेंट्स पर। आज जैसा कि संडे है तो फिर गेट इन्होंने बंद रखा है, तो व्हीकल नहीं जा सकता वहाँ पर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर एमएसयू में रहते हो या यहाँ पे पढ़ते हो तो आप जान के देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कौन सी जगह है, ये कौन सा ग्राउंड है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, प्लस आप इसके साथ कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखो, मैं और दिव्यांशु यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाय बोल दो दिव्यांशु अपने दोस्तों को एक बार फिर, काफ़ी देर से बोर हो रहे होंगे। खैर, ये रहा ये ग्राउंड, और इसके पीछे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी है, लेकिन वहाँ पे एक लोअर ब्रिज है जो कि फिलहाल खुला हुआ है, देख सकते हैं। और शॉट 4 रनों के लिए, और ये वंडो 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 करके कुछ तमिल में बोल रहे हैं, काफ़ी खतरनाक कॉमेडी। लेकिन भाई, ये क्रिकेट का मैच, स्टेट लेवल का मैच चल रहा है यहाँ पे। एमएसयू की यही खासियत है कि भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। तो भाई एमएसयू में हूँ, और यहाँ पे इतना बड़ा मेरे पीछे झाड़ है, यहाँ पे पूरा बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा वाइड एकदम विशाल, इसके रूट से खाली। और ये देखो यहाँ पे, देखो कितना सुंदर, कितना बड़ा, अजीबो गरीब, मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ है पता ही नहीं चला, उसका मेन तो भाई कहीं पे खो गया है यार, लेकिन फिर भी हम पीछे से एक बार जाके देखते हैं भाई। ये हमारा दिव्यांशु है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, देखिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, काफ़ी यार मतलब। और ये देखिए यहाँ पे ना विश्वामित्री नदी जाती है, जो कि गंदी हो चुकी है, एकदम गटर जैसी स्मेल करती है। तो ये रही वो नदी वहाँ पे, आप देख ही नहीं पाएंगे बिकॉज काफ़ी गंदी हो चुकी है, आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों। खैर, ओवरऑल मतलब एमएसयू का कैंपस मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब यहाँ पे अलग ही वाइब आ रही है, महाराजा सयाजी राव ने बनाया था मतलब। और देखिए, हम इतने जंगल वीरान जगह पे जा रहे हैं भाई, ज़्यादा आगे मत जाना कुछ हो जाएगा, बहुत खतरनाक जगह भाई। ये देखो भाई, भाई कितनी खतरनाक जगह है भाई, यहाँ पे कितने सांप घूम रहे होंगे भाई, भाई भागो, ओ भाई भागो भागो, सांप 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 सांप, भागो भागो भाग, ओ भाग, ओ भाग। सो दोस्तों, हम यहाँ पे लोअर ब्रिज पे एमएसयू का, आप काफ़ी इसको देख के रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई आपके एमएसयू में यहाँ पे बहुत सुंदर लोअर ब्रिज है। और ये देखें हम, ये मेरे पीछे लोअर ब्रिज ऑफ एमएसयू यूनिवर्सिटी है, काफ़ी आगे जा रहे हैं हम लोग। और भाई आपकी क्या मेमोरीज है भाई यहाँ पे,
कैसे अंकल? मेमोरीज तो काफी सही है, और यहाँ पर हमने एक बार वो देखा था, मगर देखा था हमने यहाँ पे, जस्ट मगरमच्छ। जी बिल्कुल बराबर, मेरे ख्याल से होंगे इसमें मगरमच्छ तो काफी होंगे पुराने, मैं भी थोड़ा स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए विश्वामित्री को किस तरह से पॉल्यूट किया है। काफी गंदी नदी, एकदम गटर जैसी वाइब आ रही है दोस्तों, बट मतलब इसी में मगरमच्छ तो रह सकते हैं भाई, सही बात है, काफी कहीं भी हो सकता है भाई, थोड़ा संभाल के देखना। और यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना काफी अच्छा है वैसे। खैर मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ इस समय तो देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है MSU का लोअर ब्रिज। और क्या भाई, कुछ यादें याद आई क्या? जी बिल्कुल हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये सब हमने NSS ओके जब NSS में थे तो हमने यहाँ की सफाई की, और यहाँ पर हमने सारे प्लांट किए हैं यहाँ पर, ये रोल है। अच्छा, मतलब ये पूरा जो फ्लावर वाले प्लांट्स और अलग अलग है ये सारा? अच्छा क्या बात है भाई, मतलब प्लांट थे यहाँ पर, पहले हमने उनकी सफाई की। हाँ बराबर, क्या बात है दोस्तों भाई, मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भाई मेरे बुआ का लड़का है भाई दिव्यांशु, हम दोनों भाई हैं, तो मुझे सुन के इतना प्राउड फील हो रहा है भाई, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बात अभी तक भाई, ये बताते रहने का मेरे को यार, तो मैं भी प्राउड फील कर सकूं। और एक भाई जा रहे हैं इधर से। सो काफ़ी सुंदर MSU का लोअर ब्रिज, मैं जैसे कि आपको बता पा रहा हूँ, यहाँ पे विश्वामित्री काफ़ी पॉल्यूट हो चुकी है। और आप वीडियो को देखते रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, अभी तक अगर नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, इतनी मेहनत से घूम घूम के बना रहे हैं, क्यों भाई? आपको बताने के लिए बता रहे हैं भाई। और अगर आप नहीं इस जगह को जानते तो भाई जान लो भाई, हर जगह आप घूम नहीं सकते, आप नहीं घूम सकते तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? इतनी बार ज़्यादा बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, जंगल झाड़ी में से कुछ आवाज़ आ रही है, डर लग रहा है वैसे तो। खैर कोई बात नहीं, कुछ तो हिला ना, कुछ तो। अच्छा ये स्क्विरल बेसिकल वो हिली, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है, ग्रीनरी काफ़ी है अंदर से। तो अरे वो देखो वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, किधर से? वहाँ से। चलो चलो। ओ भाई साहब, बचाओ। चल। ये देखिए, ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये हम फाइनली आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, हमें यही आना था दोस्तों। गुंबज दिखाओ भाई, गुंबज तक दिखाओ, काफी सुंदर बिल्डिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर पहुंच गए, और भाई यहाँ पे खूब मजे करने वाले हैं ऐसा लग रहा है, पूरा एग्जीबिशन देखेंगे, क्योंकि दूर से आया हूँ भाई, पूरा ट्रैवल करके भाई स्पेशली देखने के लिए। तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।